मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज की तलावतें हमें हलीमी और मेहमान नवाजी जैसे खूबसूरत मौजूदात पर ध्यान ज्ञान करने की दावत देती हैं। हलीम वो शख्स है जो सच बोलता है, सच्चाई के मुताबिक जिंदगी बसर करता है और सच्चाई को कबूल करता है। मुकदस लूका की अंजील अगर आप गौर से उसका मुतालिया करें तो 50 ऐसे हवाला जात हैं जो खाने या खुराक के मुतालक हैं। और आज की जो पाक अंजील है इसमें भी खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को नसीहत करते हैं कि अगर कोई तुम्हारी दावत करे तो तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए, यानी सदर की जो कुर्सी है उस पर नहीं बल्कि नीची जगह बैठने के लिए आप जस्तजू करो, यानी ऊंची जगह पर नहीं, सदारत की जगह पर नहीं बल्कि नीची से नीची जगह या सबसे पीछे बैठने का चुनाव करो ताकि जिसने तुम्हें दावत दी है उसकी नज़रों में और दूसरे मेहमानों की नज़र में तुम्हारी इज्जत हो। क्योंकि अगर अंदाज़ा करें कि आपको पहली सीट से आखिरी पर बैठाया जाए तो आप यकीनन शर्मिंदा होंगे, और अगर आपको पिछली सीट से आगे ले जाया जाए जहां पर अहम तरीन मेहमान हैं तो इसमें आपकी इज्जत होगी। खुदा यीशु मसीह जब एक फरीसी के घर में बुलाए गए दावत के लिए तो उन्होंने देखा, गौर किया कि लोग कैसे बैठ रहे हैं, और यूं खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील बताई ताकि जो उसके शागिर्द हैं वो भी सीखें कि हलीमी कितनी अजीम है, और बड़ा बनने की कोशिश ना की जाए बल्कि छोटा बनने की कोशिश की जाए। यकीनन खुदा यीशु मसीह जो गुनाहगारों के साथ खाता पीता है क्योंकि वो गुनाहगारों को बचाने के लिए आया है, और फकीर फरीसी तनकीद करते हैं लेकिन खुदा यीशु मसीह उनकी तरबियत करते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया हूँ। यकीनन खुदा यीशु मसीह गुनाहगारों को बचाने के लिए आया है। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों बहनों, 4 किस्म के लोग हैं जिनको आप दावत देना पसंद करते हैं, और खुदा यीशु मसीह आज की तमसील में बयान करते हैं कि जब तुम दावत करते हो किसी की तो आमतौर पे आप दोस्तों को बुलाते हो, भाइयों को या रिश्तेदारों को बुलाते हो, अमीरों को बुलाते हो, लेकिन ऐसे लोगों को बुलाओ जो गरीब हैं, अपाहज हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, उनको बुलाओ जो आपका कर्ज चुका नहीं सकते, जो आपकी दावत के बदले में आपकी दावत नहीं कर सकते। यकीनन ये खुदा की मेहमान नवाजी है, एक आम दुनियावी मेहमान नवाजी है जिसमें आप सिर्फ उन्हीं को बुलाते हो, उन्हीं को मदु करते हो, सिर्फ उन्हीं को दावत देते हो जो बदले में आपकी दावत करे, आपको भी खाने पे बुलाए। आम तौर पे ये एक समाजी निज़ाम है, दुनियावी तौर पे हम ऐसे चलते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह हमें एक और रास्ता दिखा रहे हैं जो हलीमी और मेहमान नवाजी का रास्ता है। यकीनन खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों की तरबियत कर रहे हैं क्योंकि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों की जिंदगी में हलीमी को देखना चाहते हैं। लिहाजा खुदा यीशु मसीह का अच्छा शागिर्द वो है, अच्छा मसीही वो है जिसकी जिंदगी में हलीमी है। एक किताब है जो कि पीटर फॉब ने लिखी है और इस किताब का उन्वान है कंज्यूमिंग पैशंस एंथ्रोपोलॉजी ऑफ ईटिंग। वो चंद सवालात इस किताब में उठाता है, वो कहता है कि आप गौर करें कि आप क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसे खाते हैं और किसके साथ खाते हैं। ये किताब हमें समाजी निज़ाम के बारे में बताती है, और पीटर फॉब बताते हैं कि मुआशरे में खाना इंसानी तलकात को कायम रखने का बुनियादी तरीका है या बुनियादी
रास्ता है कि खाने से, दावत देने से, दावत कबूल करने से आप अपने जो ताल्लुकात हैं, इंसानी ताल्लुकात, उनको कायम रखते हो। लिहाजा दावत देना, दावत कबूल करना, मदऊ करना, मदऊ किए जाना, ये यकीनन इंसानी रिश्तों के बहाल रखने का, कायम रखने का एक बुनियादी और ख़ूबसूरत तरीका है। खुदावंद यसुमसी जो कि इस तमसील में सिखाना चाहते हैं कि खुदा की बादशाहत में हम कैसे कबूल किए जाएंगे। खुदा की बादशाहत इकट्ठे मिलकर खाने की मानिंद है। खुदा की बादशाहत इकट्ठे मिलकर खाने की तरह है। लिहाजा आज की जो तमसील है ये हम पर अया करती है कि हम उनकी दावत करें जो हमें दावत के बदले में दावत नहीं दे सकते, ज़ियाफ़त के बदले में ज़ियाफ़त पेश नहीं कर सकते। खुदा की मेहमान नवाजी इंसानी मेहमान नवाजी से काफ़ी हद तक फ़र्क है और आज खुदा यसुमसी हमें दावत देते हैं कि हम ऐसे लोगों की मेहमान नवाजी करें जो बदले में शायद उस मेहमान नवाजी का कर्ज अदा नहीं कर सकते। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मांगने वाला एक घर में जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाने लगा और उस घर की जो बहू थी वो बहुत ज़्यादा उस पर नाला हुई, नाराज़ हुई कि ये कितनी देर से आके हमारा दरवाज़ा खटखटाता जा रहा है। उसने गुस्से में आकर रोटी में जहर मिलाकर उस बुज़ुर्ग को दे दिया और वो बुज़ुर्ग रोटी लेकर और दुआ देकर उसके घर से चला गया। दूर गांव से थोड़ा दूर जाकर एक डेरे पे वो बैठ गया और जब वो रोटी खोलकर खाने लगा तो उसने देखा कि एक शख्स, एक नौजवान जो कि ज़ख्मी हालत में है और करीबल मर्ग है, मुश्किल से चल सकता था, वो आहें भरता हुआ, चिल्लाता हुआ, रोता हुआ उसके करीब आ रहा है और जब उसने उसकी हालत देखी तो वो खाना उसको दे दिया। उसको उस पर इतना रहम आया, उसका दिल इतना नर्म हो गया उसकी हालत देखकर कि उसने अपना खाना जो कि मांग कर लेकर आया था उसको दे दिया कि ये ज़्यादा ज़रूरतमंद है, क्यों ना ये खाना मैं उसको दे दूँ। और उसने जब ये खाना खाया तो वहीं पे उसकी वफात हो गई। जब गांव के लोगों कोई पास से गुजरा, उन्होंने देखा कि ये क्या माजरा है और उसकी जो लाश है उठाकर गांव में लेकर गए तो वो खातून आई, यकीनन वो उसका भाई था, रिश्तेदार था और वो देखकर बहुत परेशान हुई और ज़्यादा ज़ारो कतार रोने लगी कि ये क्या हुआ है। और उस बुज़ुर्ग से पूछा तो उसने बताया कि जो रोटी तुमने मुझे दी थी मैं तो अपने लिए लेकर गया था लेकिन ये मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद था। वो नौजवान काफ़ी महीनों से घर से गायब था और घर वाले फिक्रमंद थे कि ना जाने हमारा बेटा, इस घर का फर्जंद कहाँ गुम हो गया है, कहाँ खो गया है। यकीनन उसके दुश्मनों ने उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा और उसको छोड़ दिया, जाने दिया। और ऐसी हालत में जब वो वापस अपने घर आ रहा था काफ़ी महीनों के बाद तो उसके साथ ये वाकया पेश आया कि उसी के घर की बनी हुई रोटी जिसमें जहर मिला दिया गया था और वो मांगने वाले को दी गई थी, जो शायद घर वाले महसूस कर रहे थे, उस घर की बहू महसूस कर रही थी कि ये बार बार दरवाज़ा नॉक करता है, हमें तंग करता है, तो क्यों ना इसको जहर दे के हम ख़त्म ही कर दें। कहते हैं कि जब किसी के लिए घड़ा खोदते हैं तो आपके अपने लिए वो तैयार होता है। मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, रोटी जीने के लिए है और यकीनन ये एक आर्जी दुनियावी रोटी जो है ये हमारी मदद करती है ताकि हम इस ज़िंदगी के आर्जी सफ़र को जारी रख सकें। लेकिन जो हकीकी रोटी है वो हकीकी ग़िज़ा यसु अलमसीह है। आइए हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस दुनियावी रोटी के लिए ना जिए बल्कि अपने
जीने के मकसद को नए सिरे से दरियाफ्त करें। आज की पाक अंजील के मुताबिक हमको दावत दी गई है कि हम अपनी ज़िंदगी में हलीमी और फरोतनी को अपनाएं और खुदा की मेहमान नवाजी की तरफ सोचें कि खुदा जो है वह ऐसा मेहमान नवाज है जो हमें हर तरह की नेमत बख्शना चाहता है और खुदा की बादशाहत के लिए हम बुलाए गए हैं। ज़रूर है कि इस आर्जी ज़िंदगी में जो आर्जी रोटी है हम दूसरों के साथ फराक दिली के साथ बांटें और हलीमी और फरोतनी का मुजाहरा करें और यसु मसीह की शागिर्दी में कामल होते जाएं। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। Radio Veritas Asia.